दोस्तों क्रांतिकारी जय भीम, मेरी बात को हमेशा याद रखना। अगर घर में बैठकर न्याय मिल गया होता ना तो अदालतें नहीं होती। घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो आज जितेंद्र मेघवाल को भी न्याय मिल चुका होता। अगर घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो आज हाथरस की हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को भी न्याय मिल गया होता। अगर घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो जालौर में इंद्र मेघवाल को भी न्याय मिल गया होता। अगर घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो सड़कों पर हमें लाठियां खानी ना पड़ती। अगर घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो हमें पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। अगर घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो आज इतने इतने मुकदमे लेकर अपने सर पे मैं छिपता फिरता नहीं घूमता रहता। अगर घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो मेरा मासूम बेटा जो आज पापा पापा करता रहता है, मैं उसको टाइम देता। अगर घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो मैं अपनी पत्नी को टाइम देता। अगर घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो मेरे बुजुर्ग पिताजी हैं, 75 से ज्यादा उम्र हो रही है उनकी, मैं उनके पास उनकी सेवा करता। अगर आर्मी से रिटायर हैं वो, यदि घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो मेरी माताजी हैं, बुजुर्ग माताजी, मैं उनकी सेवा कर रहा होता। यदि घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो आज मेरे दो बच्चे जो चले गए वो भी जिंदा होते। यदि घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो निशा तंवर एडवोकेट को निशाना ना बनाया जाता। यदि घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो आज निशा तंवर एडवोकेट के पिताजी जेल में ना होते बेकसूर। यदि घर में बैठकर न्याय मिल गया होता तो हम सड़कों पर यू खाक ना छान रहे होते। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि संसद में आवाज उठाने से सारी मुश्किलों का हल हो जाएगा। आप गलत सोच रहे हैं। यदि संसद में बैठने से, संसद में चिल्लाने से यदि सारे दुखों का अंत हो गया होता तो बहन मायावती जी को इस्तीफा ना देना पड़ता। अगर मेरी बात आपको सच लगती हो तो 3 जुलाई को सुबह 10 बजे जंतर मंतर आ जाओ। एक बेटी आपका इंतजार करेगी, एक छोटे मासूम बच्चे की माँ आपका इंतजार करेगी जो दो दो बच्चों को भी खो चुकी है। एक बच्चा है उसकी पढ़ाई में भी टाइम नहीं दे पाती है। एक बहन आपका इंतजार करेगी जो 3-3 भाइयों को खो चुकी है। एक बेटी जिसका पिताजी जेल में है, एक बेटी आपका इंतजार करेगी जो हरदोई में फर्जी मुकदमे 16 से ज्यादा लोगों पे लगाए गए, उनको हटवाने की कोशिश कर रही है। एक बेटी आपका इंतजार करेगी, एक बहन आपका इंतजार करेगी जो चांदपुर में, बिजनौर के चांदपुर में 96 से ज्यादा लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए। जंतर मंतर दिल्ली आपका इंतजार करेगी, भाई आ जाना। अरे भैया, इंसान इंसान से प्यार नहीं करता, मुझे पता है सारा। इंसान इंसान से प्यार नहीं करता है भाई। अगर इंसान इंसान से प्यार कर रहा होता है तो ये संविधान में छाती पे चिपका के ना घूमता। ये संविधान मुझे छाती पे चिपका के घूमना पड़ रहा है भाई। और जो संसद में संविधान लहरा रहे हैं ना लोग, वो भी अपना पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं कि संविधान लागू हो जाए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन सड़क पर लड़ाई पूरी नहीं हुई है भाई। अरे आ जाओ मेरे दोस्तों, घरों से बाहर निकल लो। इज्जत दांव पे लगी है, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी भाई चांदपुर में, उसको दोबारा लगवाना है तो दिल्ली आ जाओ जंतर मंतर पे 3 जुलाई को। और भाई सबसे बड़ी बात, पुरानी संसद भवन में से बाबा साहब अंबेडकर जी की एक प्रतिमा जो है, अन्य महापुरुषों की भी प्रतिमा जो है, हटा के एक जगह से दूसरी जगह कहीं पता नहीं कहां भेज दी भाई। अपमान हो रहा है, अपमान। इस अपमान को सहोगे क्या? अरे इतने बुजदिल हो गए मेरे कौम के लोगों, तुमने तो सरदार उधम सिंह जी का नमक खाया है, उनका खून हो आप, तुम तो बाबा साहब अंबेडकर का खून हो भाई। जितने भाई जुड़ रहे हैं भाई, सारे भाइयों को हाथ जोड़ के
क्रांतिकारी जय भीम, मैं अभिवादन करता हूं दोस्तों। इस आवाज को पहुंचाओ अपने अपने ग्रुप में, सब में पोस्ट करो। 3 जुलाई को चलना है दिल्ली। सब अपने फेसबुक पर लिखो कि मैं जा रहा हूं 3 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर, जिसका खून खोलता हो चला आएगा। भैया खून उबाल मारता है या नहीं मारता? जम गया है क्या खून थरा? ए भीमा कोरेगांव के वंशजो, ए बाबा साहब अंबेडकर जी के वंशजो, सरदार उधम सिंह के बच्चों, अरे खून जम गया कि उबाल मार रहा है तुम्हारा खून? अरे भैया देश में आतंक फैल चुका है भाई, संविधान खतरे में है। योगी बाबा मेरे पीछे लग गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लगा रहो पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो मेरे यूपी की चिंता है, पूरे देश की चिंता है। तभी तो लड़ रहा हूं, जब तो लड़ रहा हूं, यूपी के कोने कोने की चिंता है, बच्चे बच्चे की चिंता है मुझे, देश के प्रत्येक बहुजन आदिवासी SC ST OBC वर्ग की चिंता है मुझे, अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता है। मुसलमान भाइयों थम भी कदे आ जाया करो, मैं तो थारे थारी हमेशा खड़ा रहा हूं, थम आ जाया करो यार। इंसानियत के रखवालो, संविधान के रक्षकों, भैया संविधान के रखवालो आ जाओ यार, आ जाओ बचा लो भाई बहन बेटी की इज्जत, संविधान को बचा लो, 3 जुलाई को आओ भाई। ये अदना सा सिपाही भीम सेना का आपका बच्चा है, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त है, अपील करता है। अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों में लिखो आप जा रहे हो 3 जुलाई को, और वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ कि मैं जा रहा हूं 3 जुलाई को जंतर मंतर सुबह 10 बजे, मान सम्मान स्वाभिमान की खातिर आप भी आओ, वीडियो डालो, वीडियो भेजो, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो, फेसबुक पे टैग करो, मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि वो आपकी वीडियो हमारी टाइमलाइन पे भी चला देंगी, मेरी इंस्टाग्राम पे भी चला देंगी। मैं बोल लूंगा अपनी टीम को, ये टीम के लोग मेरे साथ बैठे हैं, ए लड़की इधर सुन, सुन ओके ओके इशारा कर दिया उसने, सुन रही है वो। और भैया अपने टाइमलाइन में लिखो, फेसबुक पर जाके कोई पैसे नहीं लग रहे भाई, और अगर पैसे ज्यादा हो रहे हो तो स्कैनर दो भैया, ये आंदोलन ही नहीं लड़े जाते, इसको कर लेना कॉपी, देखो ये ध्यान रखना, इसको स्कैन कर लो, इसको करो स्कैन, पूरा दिख रहा है ना, मैं अपने साथ दिखा दूं, लो ये देखो। अब लोग नून आ गए कि सतपाल तंवर का नहीं है, बस नाम चेक कर लेना भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो भैया, ठीक है, ये आराम से स्कैन हो जाएगा, इस पे नाम आएगा नवाब सतपाल तंवर, और बहुत सारे मनुवादी और तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल ये कहेंगे कि भीख मांग रहा है भाई, मेरे समाज की रक्षा के लिए मैं मांगूंगा भीख, हाँ मैं मांगता हूं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे समाज की रक्षा के लिए मेरे को बाबा साहब अम्बेडकर जी आदेश दे के गए हैं पे बैक टू सोसाइटी का, वो मैं पूरा कर रहा हूं उनका आदेश, और आंदोलन जा भाई, कभी भी ना एक अकेला आदमी नहीं लड़ सकता, आज तक जो कुछ किया आप लोगों ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर सारे मुकदमे जितने भी दर्ज हुए ना अब तक उसमें आपकी भी हिस्सेदारी है, ध्यान रखना, लेकिन भाई याद रखना एक साथ मिलके लड़ेंगे, अगर शहीद भी होना होगा ना तो गैल मिलके हो जाएंगे, मैं तू देखूं भाई मेरी गैल कौन कौन होगा शहीद, हालत खराब है भाई इस देश की, और इस देश को बचाओ, और आंदोलन लड़ने के लिए मैं बताता हूं 2,687 रुपए कुछ है बस अकाउंट में, 2,687 रुपए में आंदोलन हो जाएंगे, बताना आप भाई, इसको भर दो, भर भर के दान करो इसको, इसको भर दो, ये देखो इसको भर दो, चाहे गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, सब चल जाएगा इसके ऊपर, इसको भर दो, ऐसे ऐसे ना वो नहीं हुआ करते, आंदोलन नहीं हुआ करते, 2,687 रुपए 12 पैसे कुछ पड़े हैं मेरे ध्यान नहीं, इतना ही कुछ है भाई, मदद भी करो, देखो बड़े दिल वाले हो, बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे बड़े दिल वाले होते हैं, अगर बड़े दिल वाले हो तो मदद भी करो, जरूरी है, मैंने अपने लिए नहीं चाहिए, मेरे पास में भगवान, मेरे भगवान जो है बाबा साहब अंबेडकर जी, मेरे भगवान कबीरदास जी, मेरे भगवान रविदास जी, मेरे भगवान बुद्ध जी, मेरा सब कुछ है वो,
मेरे माता पिता, मेरे भगवान, मेरे को बहुत कुछ दिया है भाई, मुझे अपने के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं हार जाता हूं ना, जब जब लगता है कि यार मेरी गुंजाइश ना बन रही, मेरी गुंजाइश ना बन रही भाई, मेरी गुंजाइश ना बन रही, था मैं आंदोलन सारे पूरे करो, एक आंदोलन को नहीं, आंदोलन और भी बहुत होंगे। और 3 जुलाई ने सारे आओ भाई, इस वीडियो ने शेयर करो, बाबा साहब के बच्चों की कसम, आपको बाबा साहब की कसम है और बाबा साहब के संविधान की कसम है। अगर आप इस वीडियो ने शेयर ना कर सको ना, तो लाइक भी मत करना, बिल्कुल गलती से भी ध्यान रखना, शेयर करो इस वीडियो को, सब तक पहुंचाओ भाई, ठीक है भाई। क्रांतिकारी जय भीम भाई, 3 जुलाई को मिलेंगे सारे भाई इकट्ठे होके।